गो नेक्स्ट. सी, आज देश के अंदर आपको मालूम है कि फौज की कितनी रिटायरमेंट्स हैं, ये आप सबको मालूम है. यू नो, फौज के अंदर, आर्मी के अंदर तकरीबन 45,000 से 60,000, नेवी के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,500, एयरफोर्स के अंदर सिमिलर नंबर, वो सिर्फ 5,000 हो जाता है. हाउएवर, जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स हैं जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं. प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस फौज के अंदर 25 साल 30 साल, मैं अभी 59 ईयर्स का हो गया हूँ, 60 में मैंने रिटायर करना है, वो मेरी पूरी एज सर्विस की है. बट इतने तादाद में लोग हैं, इंडियन आर्मी में तकरीबन 14,000, इंडियन नेवी में तकरीबन 3,000, एयरफोर्स में तकरीबन 500 से 600, ये लोग आज भी बाहर जा रहे हैं. इनकी उम्र क्या है? 35, 36, 38, ऐसी उम्र है. ये लोग सब जा रहे हैं. आज तक हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की बोलने की, ब्रदर ये बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं. ओके, एंड आप इन तीनों को ऐड करो, ये 15,000-16,000 तो वैसे ही बन गए. जब हम लोग बात कर रहे हैं 40-46,000 की 4.5 साल के बाद, तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे. गो नेक्स्ट. सी कमिंग, बिफोर मैं पे एंड अलाउंसेस पे आता हूं, उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रेनिंग की. सी, आज का युवक हमारे से अच्छा है. हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी. आगे आने वाला जो युवक है, उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है. और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है. तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी. अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए. और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान. ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ. और वो आता कहाँ से है? गाँव से. हमारी इनटेक 70% विलेज से. नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है, तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मध्य नजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं. सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहाँ से आ रहे हैं? गांव से. उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय. वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल. मेजर इनटेक, ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जिस जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है. ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है. 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है. एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं, कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी यू नो आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए. ये काम थोड़ा अलग किस्म का है. तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है. ये पहले भी वही थी और आज भी वही है. तो इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं है. उसके अलावा हमने पिछले सालों में क्या करा है? अपना फ्लैब कट करा है. फ्लैब का मतलब, देखो, टीथ टू टेल रेशियो की बात होती है, टेल कम करी है और कम होगी आगे आने वाले टाइम में. दूसरी, जॉइंटनेस बढ़ी है. कुछ सालों पहले आईडीएस हेडक्वार्टर नहीं होता था, वो बना है. तो इस तरीके की जो बीच बीच में चेंजेस है वो सब करी जा रही है. उसके अलावा नेक्स्ट चीज ये है कि अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 होगी. इसको ब्लैंक कर दे, 50,000 से 60,000 होगी. ओके, 50,000-60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी. सो इट इज नॉट 46,000. ये हमने क्यों करा है? इसलिए करा है, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मीडियम. क्यों?
सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे। सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी इसके लिए तैयार हूं। नाउ व्हाई 4 इयर्स, जो सब चीजों का मुद्दा है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया, उसके अंदर चेंज क्यों करा गया। इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था।